नमस्कार साथियों, आओ सभी मिलकर करते हैं महायुद्ध की तैयारी। विकल्प मिलेंगे मंजिल से भटकाने के लिए बहुत, विकल्प मिलेंगे मंजिल से भटकाने के लिए बहुत, लेकिन संकल्प एक ही काफी है मंजिल को पाने के लिए। और मंजिल को पाने के लिए सही संकल्प लीजिए, सही कोचिंग संस्थान को चुनिए, श्री गोविंदम क्लासेस को चुनिए। आपको अगर सफलता प्राप्त करनी है, जेट आईसीआर पीएचयू में सिलेक्शन लेना है इस 2 महीने के अंदर में। दोस्तों, श्री गोविंदम क्लासेज ने क्रैश कोर्स शुरू कर दिए हैं। 22 तारीख से क्लासेज और एडमिशन जो है वो शुरू हो जाएंगे। और कुछ काफी सारी चीजें एक्साइटेड रखी हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ, खुश हूँ आपको ये बताते हुए। बहुत सारे बच्चों के कॉल मैसेज आ रहे हैं कि सर, इतनी कम फीस में क्या ऑफलाइन क्रैश कोर्स पॉसिबल हो रहा है? लेकिन हम बिल्कुल करवा रहे हैं, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि हमारा टारगेट ही यही रहता है कि बच्चे को, चाहे वो ऑनलाइन मोड में है चाहे ऑफलाइन मोड में है, एक फीस को इतना कम कर दिया जाए, एक अफोर्डेबल फीस कर दे, जिससे बच्चे को पैसा देते वक्त ज्यादा सोचना नहीं पड़े, पेरेंट्स को पैसा देते वक्त ज्यादा सोचना नहीं पड़े कि इतनी फीस हम कहां से लाएंगे, और क्वालिटी वाली एजुकेशन दें। और एजुकेशन के मैं आपको सबूत भी दूंगा कि हमारे यहाँ पर जो फैकल्टी पढ़ा रही है वो क्वालिटी वाइज फैकल्टी है कि नहीं है, वो आप उनका जब आप उनके बारे में जानोगे, आप उनकी जब क्लासेस ज्वाइन करोगे तो आपको खुद को पता चल जाएगा। तो मैं आज लेकर आया हूं एक नई सौगात आप लोगों के लिए। अपने जीवन का एक नया सफर अब शुरू होने जा रहा है। आप सभी की बोर्ड के एग्जाम्स अच्छे से खत्म हो गई हैं, तो सबसे पहले तो आप सभी को इसके लिए बधाई कि आपने 12th में जी जान लगाकर मेहनत की। चाहे बाहर कैसी भी परिस्थिति हो, कोविड था कुछ भी था, लेकिन आप डटे रहे, आप अपने संकल्प पर टिके रहे और अपने 12th के एग्जाम्स को अच्छे से किया है। सो ऑल द बेस्ट, आप सभी को अच्छा हुआ है। अब बात करते हैं, देखो हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक एक स्टेप को पूरा करना होता है। 12th को आपने अच्छा कर लिया और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि आपकी सभी की 12th की एग्जाम जो है वो बहुत अच्छी हुई है, बहुत अच्छे आपके पेपर हुए हैं। लेकिन अब हमारे सामने एक अपॉर्चुनिटी है बेटा जी, वो है हमारा जेट क्रैश कोर्स, या आईसीआर की तैयारी करते हैं तो आईसीएआर का क्रैश कोर्स। मैं इस पर बहुत ज्यादा फोकस्ड हूँ, बहुत ज्यादा आप लोगों पर ध्यान दे रहा हूँ। क्यों? उसके पीछे रीजन ये है कि बहुत सारे संस्थानों ने, बहुत सारे लोगों ने ये अवधारणा बना रखी है कि क्रैश कोर्स में से सिलेक्शन नहीं होता है तो क्यों तैयारी करें। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर 2 महीने में सिलेक्शन नहीं होगा, हम क्यों तैयारी करें। बिल्कुल सही है, जो बच्चे कहते हैं 2 महीने में सिलेक्शन नहीं होगा, हाँ नहीं होता है, उन बच्चों का नहीं होता है जो पिछले ध्यान से नहीं पढ़े हैं, जिन्होंने 11th 12th में ध्यान से नहीं पढ़ा है, या जो अभी फोकस नहीं है, जो अभी मेहनत करना नहीं चाहते हैं, उनका कतई सिलेक्शन नहीं होगा, ये मैं खुद भी कह रहा हूं। लेकिन अगर आपने 12th में ढंग से तैयारी की है, खासकर क्योंकि मैं जितने बच्चों से मिलता हूं, मैं लाइव क्लासेज वगैरह लेते हैं, तो बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट अच्छा है, 12th के इतने सारे बच्चों का एग्जाम अच्छा हुआ है, तो मैं तो सभी को पॉजिटिव ही नजर से देख रहा हूं। तो अगर आपने 12th की एग्जाम अच्छे से दी है, 12th में तैयारी अच्छे से की है, तो 2 महीने में सिलेक्शन आपका हो सकता है। उसका लॉजिक क्या है वो मैं आपको बता दूंगा। अभी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताता हूं कि हमने जो क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है 22 तारीख से इसमें एडमिशन हो रहा है, उसमें कुछ ऑफर भी रखा है और क्या क्या सुविधाएं आपको मिलने वाली हैं। तो आइएगा, उदयपुर में श्री गोविंदम क्लासेस पर ही आना है। यहाँ पर आपको क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी, आपको हमारे यहाँ पर ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेज मिलती हैं। ऑफलाइन ज्यादा बेटर रहता है तो ऑफलाइन आइएगा, लेकिन जो बच्चे दूर दराज से हैं, जो बच्चियां अगर नहीं आ सकते हैं कि सर हम ऑनलाइन पढ़ लेंगे, तो जो यहाँ पर ऑफलाइन में सुविधाएं दी जा रही हैं, जैसे यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है, वो की वही एज इट इज वैसा की वैसा ही आपको पढ़ाया जाएगा। ऑनलाइन का मतलब ये नहीं कि पुरानी क्लास हमने रिकॉर्ड करके रख रखी है, वो 1500 रुपए में आपको दे रहे हैं, फिर बाद में ना तो आपको फोन रिसीव कर रहे हैं, ना आपको रिप्लाई कर रहे हैं, वैसा कुछ भी नहीं होने वाला है। मुझे पाप नहीं कमाना है, मुझे पुण्य कमाना है। तो ऑनलाइन क्लासेज में आपको वही सारी चीजें मिलने वाली है जो हमारे यहाँ पे ऑफलाइन है। उसके अलावा आपको राजस्थान की टॉप फैकल्टी मिलेगी। यहाँ पर मैं इसको हाईलाइट करूंगा कि आजकल बहुत सारे ऐसे कोचिंग संस्थान या बहुत सारे लोग आपके पास में आएंगे, कॉल बहुत सारे आएंगे कि हमारी भी कोचिंग है, आप क्रैश कोर्स कीजिए। आपको उनका बैकग्राउंड थोड़ा पता होना चाहिए कि जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं क्या वो वाकई में एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से है या नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये कि उनको खुद को पता नहीं है कि भाई जेट आईसीआर क्या होता है, आईसीआर को प्रोनाउंस नहीं कर पाते हैं, आईसीआर की फुल फॉर्म पता नहीं, चलो वो उनका अलग मैटर है। बट जो टीचर आपको पढ़ा रहा है उसके बारे में आप ये जान लीजिए कि क्या वो इस रास्ते से चल के गए हैं, क्योंकि जो रास्ते से चलकर ऊपर जाते हैं वही आपको रास्ता दिखा सकते हैं, ये बात ध्यान रखना, वही आपको गाइड कर सकते हैं। जिन्होंने खुद ने तैयारी की है, खुद ने क्वालिफाई किया है, जो खुद टॉप कॉलेज में आए हैं, कंपटीशन को फाइट किया है, जो गवर्नमेंट जो जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट कंपटीशन जो फाइट किया है, वो आपको ज्यादा गाइड कर पाएंगे, बजाय जिनको एग्रीकल्चर फील्ड के बारे में पता ही नहीं है, सिर्फ पैसों के लिए, कुछ अपनी कुछ जरूरतों के लिए ही वो कोचिंग डाल के बैठे, तो वो वहां पर मुझे नहीं लगता कि सक्सेस मिलेगी आप लोगों को। क्योंकि चंद पैसों के लिए कुछ लोग होते हैं, वो आपकी जिंदगी से खेल जाते हैं, तो वो भी सही नहीं रहता है। तो यहाँ पर आपको जो टीचर्स मिलते हैं वो सारे के सारे वो मिलते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में जेट आईसीआर एग्जाम को टॉप किया है,
जो आरसीए कॉलेज से हैं, टॉप कॉलेज से हैं, बीएससी एमएससी पीएचडी यहां से की हुई है, उनको अच्छे और हर बार कंपटीशन एग्जाम फाइट किया भाई, बीएससी के लिए किया, फिर एमएससी के लिए किया, फिर पीएचडी के लिए, फिर उसके बाद में वो टॉप गवर्नमेंट जॉब में लगे हैं, वो आपको यहां पर पढ़ाएंगे। तो आपको पढ़ाने के साथ साथ में ये भी गाइडेंस मिलेगा कि आपके एग्रीकल्चर में और क्या स्कोप है, आप क्या अच्छा कर सकते हो, क्या क्या चीजें आपको नहीं करनी चाहिए, जो हमसे गलतियां हुई वो भी हम आपको बताएंगे, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगी, ये सबसे बेस्ट है। बाकी चीजों में मुझे पता है आप लोग कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, है ना, लेकिन इस चीज में फीस कम ज्यादा होती है चलता है, लेकिन इस चीज में कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है। अब मैं यहाँ पर आपको नीट की फैकल्टी ला के रख दूं कि भाई नीट में जो पढ़ा रहे हैं वो आपको पढ़ाए, तो उन्होंने खुद ने जो जेट का एग्जाम नहीं दिया, उनको खुद को जेट के बारे में ज्यादा नहीं पता है, तो वो आपको जेट का क्वेश्चन कैसे बताएंगे कि भाई ये हमारे जेट के लेवल का है या नहीं है, वो जस्ट अंदाजा बता देते हैं कि हाँ ठीक है ये क्वेश्चन आप लोगों की जेट मारता है, मैं कहता हूँ कि ये हमारी जेट मारता है, फर्क है, ध्यान रखना। इसके बाद में सबसे मेन इंपॉर्टेंट है अनुशासन पूर्ण वातावरण आपको यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर जो बच्चों का हम इसका ध्यान रखते हैं, क्योंकि डिसिप्लिन इज द मस्ट फॉर सक्सेस, अगर आप डिसिप्लिन रहते हैं तो आपको सक्सेस जो है डेफिनेटली मिलती है, सफलता आपके कदम चूमती है। तो और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि बच्चों को भीड़ भर रखी है, बच्चे कैसे भी रह रहे हैं कुछ भी कर रहे, नहीं, डिसिप्लिन में रहते हैं। और मेरा टारगेट रहता है, इस बार मैं फिक्स रहता हूँ कि हर बैच में से 2-4-5 बच्चे में निकालता हूँ जो मुझे लगता है कि ये डिस्टर्ब कर रहा है, ये सही से अनुशासन में नहीं रह रहा है, टाइम से पढ़ाई नहीं कर रहा है, टाइम से क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, क्लासेज रेगुलर नहीं ले रहा है, बच्चा हो चाहे बच्ची हो, पेरेंट्स को इन्फॉर्म करके हम उनको कोचिंग से बाहर निकाल देते हैं, हम उनको घर भेज देते हैं, चाहे बुरा लगता है कोई बात नहीं, एक बच्चे को निकालने से मैं 100 बच्चों की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आपको अनुशासन पूर्ण मिलता है, इसके पीछे रीजन ये है कि मैं खुद एनसीसी कैडेट हूँ, एनसीसी से हमने भी बहुत सारी चीजें मैंने सीखी हैं, डिसिप्लिन में कह सकते हैं आर्मी बैकग्राउंड से हैं, तो वो चीजें मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, जिस तरीके से हम आर्मी में रहते हैं, डिसिप्लिन लाइफ जीते हैं, बहुत सारी चीजों को सीखते हैं, वो चीज मैं कोशिश करता हूँ कि वो आपको यहाँ पर दी जाएगी। तो सबसे बढ़िया कि यहाँ पे मैं वही तो कह रहा हूँ कि आपको यहाँ पे क्वालिटी मिलने वाली है बहुत ही ज्यादा भयंकर तरीके से, आप एक बार आइएगा, टीचर से मिलिएगा, क्लास लीजिएगा, विजिट करिए, तो आपको क्वालिटी का पता चलेगा। ऐसा नहीं कि बस दिखाने में जो चीजें अच्छी दिख रही हैं वो सही नहीं होता है। हॉस्टल सुविधाएं मिलती है, बॉयज के लिए भी मिलती है, गर्ल्स के लिए भी मिलती है। और हॉस्टल सुविधाओं में अब यहाँ पर इसको रहने को लेकर खास ध्यान में रखा गया है कि हॉस्टल सुविधाओं में आपको सेपरेट रूम के अंदर लेट बाथ की सुविधा आपको मिलती है, सेपरेट रूम के अंदर। ऐसा नहीं कि सभी लाइन लगा के बैठे हैं, सुबह सुबह इधर क्लास का टाइम हो रहा है, इधर हम लाइन लगा रहे हैं, वो सारी चीज नहीं है। हर रूम के अंदर सेपरेट लेट बाथ है, तो बच्चे को कोई परेशानी नहीं आती है, वो रूम के अंदर कोचिंग जाएंगे, फिर उसके बाद सेल्फ स्टडी करेंगे और आराम से मस्त रहते हैं। एक अच्छा एनवायरमेंट यहाँ पर दिया जाता है रहने को लेकर, चाहे बॉयज है चाहे गर्ल्स है, सभी को बेस्ट फैकल्टी यहाँ पर फैसिलिटी जो है वो मिलती है। और सबसे खास बात जो मेरी रहती है, जो मेरा फेवरेट है, वो है फीस को लेकर, क्योंकि हमने भी कहीं ना कहीं चीजों को फेस किया है, तो हमें पता है कि फीस जो है, पैसा है, वो कहीं ना कहीं हमारी पढ़ाई में रोड़ा बनता है। तो मैं चाहता हूँ, मैं ये करता हूँ कि हर जगह बच्चे की जो फीस है वो इतनी कम कर दूं जितने हमारा मैनेजमेंट चल जाए और आप लोगों की अच्छे से पढ़ाई हो जाए। तो सबसे कम जितनी भी फीस, जो भी फीस रखते हैं, उनमें सबसे कम गोविंदम की फीस आपको मिलेगी, और क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा, ये बात ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि बाकी की तरफ पिछली क्लासेज उसमें अपलोड कर दी गई हैं, या फिर नॉर्मल फैकल्टी को लाके रखा है वही पढ़ा रहे हैं, किसी को भी फ्रेशर्स को उठा, मतलब जो भी चीजें होती हैं, फैकल्टी अच्छी मिलेगी, फीस सबसे कम जितना हमसे मिनिमम होता है हम फीस कम करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट एक और सबसे खास बात, ये सारे पॉइंट मैंने यहाँ पे बोल लिखे हैं, तो सबसे स्पेशल है जो मुझे पसंद है कि ऐसा एक बच्चे की लाइफ के में होना चाहिए, एक बच्चा अगर तैयारी करता है तो उसको ये एनवायरनमेंट मिलने चाहिए। क्योंकि मैंने भी जब कोटा में तैयारी की थी, वहां पर हमने तैयारी की थी, तो हमें पता है कि वहां पर क्या क्या चीजें मिली, क्या अच्छी क्या बुरी है। तो अच्छी चीजें हम आप लोगों को देना चाहता हूँ मैं, और जो कुछ बुरी चीजें वो मैं हटाना चाहता हूँ कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो हमारे साथ भी होता था कि बहुत ज्यादा भीड़ में भर दिया गया है, तो हम थोड़ा साहिब नेचर के होते हैं कि हम बात नहीं कर पाते हैं टीचर से, क्वेश्चन नहीं पूछ पाते हैं, डाउट नहीं पूछ पाते हैं। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने क्या किया है कि हम यहाँ पर लिमिटेड सीट रखते हैं एक बैच के अंदर। बहुत ज्यादा बच्चे आते हैं तो भी हम 80 या 100 बच्चों पे जाते हैं, इससे ज्यादा बैच नहीं बनाते हैं। तो बैच के अंदर जो बच्चों की जो संख्या है वो लिमिटेड रहती है, भले 2-3-4 बैच बने वो हमें चलता है, एक्स्ट्रा फैकल्टी लग रही है वो हमें मंजूर है, लेकिन बच्चे इतने रखते हैं कि वो थोड़ा सा नॉर्मली रहे, टीचर से बात कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि बच्चा इतनी दूर बैठा है वो बातें नहीं कर पाएगा, वो नहीं, बिल्कुल ही पास में रहते हैं। तो लिमिटेड सीट, कम बच्चों का हम बैच बनाकर रखते हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना ताकि बच्चा उससे टीचर से आराम से घुल मिल जाता है, अच्छे से क्वेश्चन कर सकते हैं, डाउट क्लियर होंगे तभी आप कॉम्पिटिशन को फाइट कर पाएंगे। तो ये सारे स्पेसिफिक पॉइंट हैं जो मुझे लगता है
है कि अगर आप इस सिस्टम में आकर पढ़ते हैं, इस सिस्टम में आप रहते हैं, तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा बेटा जी, क्रैश कोर्स में होगा। मुझे बस ये करना है कि क्रैश कोर्स में सिलेक्शन निकालें, ताकि लोगों को हम ये कह सकें कि देख भाई, क्रैश कोर्स में भी इन बच्चों ने सिलेक्शन लिया है। ऐसा नहीं है कि आपको लॉन्ग ईयर करने की जरूरत है। लोगों को आजकल इतना माइंड ब्रॉस किया जा रहा है, माइंड ब्रेन किया जा रहा है, कि दो दो साल की जेट की तैयारी करवा रहे हैं, आईआईटी बना दिया जेट को, है ना। आप लोग इधर ध्यान दीजिएगा, क्रैश कोर्स में सिलेक्शन अपन को लेना है। मैंने स्पेशल आप लोगों के लिए ऑफर रखा है बेटा जी, बॉयज एंड गर्ल्स सभी के लिए। अगर आप पहले दिन 22 तारीख के दिन अगर आप आते हैं, 22 और 23 को हमारा एडमिशन है ना, एडमिशन डेट आप लोगों ने पोस्टर देख लिया होगा। उस दिन अगर आप ऑफलाइन लेते हैं तो आपको फीस में 2000 का डिस्काउंट मिलेगा, और अगर आप ऑनलाइन लेते हैं, जो बच्चे ऑफलाइन नहीं आना चाहते हैं, मतलब दूर हैं, तो उनको 1000 का डिस्काउंट मिलेगा। तो आप इसमें जल्दी से एनरोल करा दीजिएगा। और ये ऑफर जो है वो पहले 100 स्टूडेंट के लिए है, ये बात ध्यान रखना। 100 स्टूडेंट कंप्लीट होते ही हमारी जो नॉर्मल फीस है वही रखी जाएगी, और नॉर्मल फीस है, बाकी सभी कोचिंग संस्थानों से सबसे कम अपनी फीस है, उसमें भी 2000 और 1000 का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके, इसके अलावा आप जो बच्चे ऑफलाइन आते हैं, तो आजकल बहुत सारे फोन आ रहे हैं, सर आपका एड्रेस हमें व्हाट्सएप कर दो, एड्रेस हमें टेक्स्ट कर दो। जिनको हो रहा है उनको हम पॉसिबल है कर रहे हैं, लेकिन आप डायरेक्ट आइएगा उदयपुर आना। अगर आप वाया ट्रेन आ रहे हैं तो राणा प्रताप स्टेशन उतरना है, वहां से सेवाश्रम चौराहे आना है। सेवाश्रम चौराहे के सामने ही अपना बीएन कॉलेज है, बीएन कॉलेज के जस्ट सामने वाली बिल्डिंग में अपनी कोचिंग है, श्री गोविंदन क्लास से आपको दिख जाएगा, या फिर मैं आपको वहीं दिख जाऊंगा, ठीक है। तो एड्रेस अपना बीएन कॉलेज है। आप किसी को भी पूछेंगे उदयपुर में कि बीएन कॉलेज जाना है मेरे को, तो बीएन कॉलेज ऑटो वाला है, बस वाला है, वो यहाँ पे आके रोक देगा, और मेन रोड पर ही अपनी कोचिंग है, सेवाश्रम चौराहा थोड़ा सा इसका लैंडमार्क है, ठीक है, उदयपुर में अपनी कोचिंग है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है आपको, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, 7374962723। अब आप आइएगा, ऑफलाइन बैचेज ज्वाइन कीजिएगा। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जो बच्चे ऑफलाइन यहाँ पे आ रहे हैं, तो आपसे एक रिक्वेस्ट हो रहा है, आ तो रहे हैं आप, लेकिन आप अपने गार्जियंस को जरूर लेकर आना बेटा जी, क्योंकि मेरी ये इच्छा रहती है कि मैं आपके पेरेंट्स गार्जियन विशेष मिलूं। पापा जी, मम्मी जो भी हैं आ सकते हैं, या फिर भाई बहन किन्हीं को भी अपने गार्जियंस को लेके आना, मुझे बात करनी है उनसे, उनको रियलिटी बतानी है, रियल बात करनी है कि ये सिचुएशन है। और कुछ शर्तें होती हैं हमारे संस्थान में ज्वाइन करने की, भाई कुछ डिसिप्लिन के मायने जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो डिसिप्लिन के मायने आपके गार्जियंस को और आपको भी हम बताएंगे, ये डिसिप्लिन अगर बच्चा फॉलो करता है तो ही हम बच्चे को कोचिंग में रखते हैं, अदरवाइज हम नहीं रखेंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट एक ये है कि आप लोग ऑफलाइन में आ रहे हैं तो अपने गार्जियंस को लेकर आना, अगर नहीं आ सकते हैं तो मेरी फोन पे बात करा दोगे तो भी चलेगा, बट ऐसा नहीं इंडिविजुअली कि हाँ आ गए हैं, कोचिंग ज्वाइन कर ली है, फिर मस्ती वो वाला माहौल अगर आप चाहते हैं कि भाई मस्ती करने हम आ जाएं, टाइम पास करने आ जाएं, उदयपुर घूमने के हिसाब से आ जाएं, तो नहीं है, क्योंकि मेरा फोकस आप लोगों पे रहने वाला है। मैं चाहता हूं कि क्रैश कोर्स में सिर्फ सिलेक्शन देने हैं, आरसी कॉलेज में पहुंचाने हैं। जब हम पिछली बार कोविड के टाइम पे ऑनलाइन से ही ऑनलाइन क्रैश कोर्स हम आरसी कॉलेज में बच्चों को पहुंचा सकते हैं, तो इस बार तो हम ऑफलाइन की सुविधाएं भी दे रहे हैं, तो इस बार तो डेफिनेटली आएगा। और साथियों, अगर आपका साथ रहेगा तो इस बार डेफिनेटली क्रैश कोर्स से हम सिलेक्शन निकालेंगे, आप लोगों को सिलेक्शन दिलाएंगे, ताकि आपके पेरेंट्स की फीस बचेगी, पेमेंट बचेगा और आपकी एक साल बचेगी। तो धन्यवाद, क्रैश कोर्स शुरू हो गए हैं, आप लोगों को आना है उदयपुर में, सिर्फ श्री गोविंदम क्लासेस पर आना है, आके इस नंबर पर कॉल कीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। इस वीडियो को या इस इन्फॉर्मेशन को अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी जरूर लाइएगा श्री गोविंदम क्लासेस पर। धन्यवाद, जय श्री कृष्ण।